सबसे पहले बात करते हैं, लिस्ट बनानी है, कौन सी लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्यों? आपके मन में अगर आज तक डाउट ही घूम रहे हैं सिस्टम के रिगार्डिंग, तब तो आप काम कर ही नहीं ना सकते। अगर किसी भी रिश्ते में डाउट आ जाए तो वो रिश्ता निभ सकता क्या कभी? नो सर, नहीं। तो ऐसे ही अगर आपके मन में डाउट है सिस्टम को लेके, कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी पैसे कैसा देगी, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है ना, ये क्वेश्चंस की लिस्ट। क्योंकि जब किसी भी बंदे के अंदर, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं कि ये बिजनेस दूसरों को समझाने का नहीं है, पहले ये बिजनेस खुद को समझाने का है। जिस बंदे ने अपने अंदर वाले को समझा लिया ना, वो बाहर वालों को अपने आप समझा लेता है। खाली बोरी अगर आप दीवार के साथ खड़ी करना चाहो तो वो खाली बोरी दीवार के साथ खड़ी हो सकती है प्रवीण जी? नो सर, नहीं। कहते हैं भरी बंदूक से एक बंदा डरता है और खाली बंदूक से दो डरते हैं। क्योंकि अगर भरी बंदूक होगी तो सामने वाला डरेगा, उसको पता है यार मेरे गोली ना बच जाए। अगर खाली होगी ना तो दोनों डरेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में उसको पता है कि इसके अंदर गोली तो है नहीं, सामने वाला डर रहा है कि गोली ना मार दे, और जिसके हाथ में है वो डर, उसको पता है कि यार गोली तो इसके अंदर है नहीं, सामने वाला ये बंदूक मेरे हाथ से छीन के मेरे सिर के ऊपर ना मार दे और मुझे यही मार दे कि फालतू में डरा रहा साले मुझे। हाँ, तो करना क्यों है ये ज्यादा जरूरी है। अब देखो दूसरा बात, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। देखो ड्रीम्स में दम होगा तभी प्लान में दम होगा, ठीक। ड्रीम में दम होगा तभी प्लान में दम होगा। ड्रीम्स कौन से होने चाहिए? ड्रीम्स होने चाहिए इमोशनल। अगर एक पहलवान, दो पहलवान किसी एक माड़े बंदे को पीट रहे हैं, किसी कमजोर बंदे को पीट रहे हैं, और आप वहां से गुजर रहे हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप आराम से निकल जाएंगे। आपको लगता है यार हम दो पहलवानों से हमने क्या पंगा लेना, आपको उस बंदे पे तरस भी आ रहा है। मान लो दो पहलवान आपके भाई को या आपके पापा को हाथ लगाने की भी कोशिश करते हैं, उस टाइम आप उनसे भिड़ जाओगे कि नहीं भिड़ जाओगे? भिड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तब आपके इमोशन जुड़ गए हैं, अब आपका रीजन स्ट्रांग हो गया। मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में बोलता हूं, जितना आपका इस बिजनेस को करने का रीजन स्ट्रांग होगा उतने ही रिजल्ट स्ट्रांग होंगे, ठीक। देखो ड्रीम पूरे तब होंगे जब आपको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कर लोगे। कहते हैं सपने पूरे नहीं होते, लक्ष्य पूरे होते हैं। जो भी आप ड्रीम सोच लिया, आप उस ड्रीम को पब्लिकली अनाउंस करो। जी सर। मेरे गुरुजी कहते हैं ये धंधा मुर्दों का नहीं मर्दों का है, ये अपनों का नहीं सपनों का है, right, ये चाचे भतीजे का नहीं नतीजे का बिजनेस है, ये अपंग right. सोच वालों का नहीं ये दबंग सोच वालों का बिजनेस है, ये खून से नहीं चलता, ये जुनून से चलता है, ये सोप का धंधा नहीं है, ये होप का धंधा है, ये धंधा नहीं साबुन तेल का, ये धंधा तो करोड़ों के खेल का, ये बीमारी ठीक करने का धंधा नहीं, बेरोजगारी ठीक करने का धंधा है, राइट सर। धंधा नहीं फेस वॉश और क्रीम का, अरे ये धंधा तो है बड़े बड़े ड्रीम्स का, राइट सर। आपके अंदर जो चलता है ना बाहर वही चलता है। आप इस बिजनेस में हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इस बिजनेस के अंदर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये लाइन ध्यान से सुन लेना, आप इस बिजनेस के अंदर हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि बिजनेस आपके अंदर कितना है इससे फर्क पड़ेगा। दिल में दबी ख्वाहिशों को जरूर पूरा करो, क्योंकि मौत जब भी आएगी ये नहीं पूछेगी कि जिंदगी पूरी जी लिए हो या जिंदा ही दफन हुए जा रहे हो। दोबारा बोलू? Amazing, sir. दिल में दबी ख्वाहिशों को जरूर पूरा करना सीखो दोस्तों, क्योंकि मौत जब भी आएगी ये नहीं पूछेगी कि जिंदगी पूरी जी लिए हो या जिंदा ही दफन हुए जा रहे हो। राइट सर। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, आज की ट्रेनिंग सुनने के बाद अपने आप से चार सवाल कर लेना, नोट कर लो कॉपी पे, और बाद में अपनी अपलाइन को रिप्लाई दे देना, मुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, किस तरीके से जीना चाहता हूँ, किस तरीके के लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट करता हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, क्या बनना चाहता हूँ, किस तरीके से जीना चाहता हूँ, किस तरह के लाइफस्टाइल को अट्रैक्ट करता हूँ। देखो मकान बनाने से पहले क्या करना पड़ता है, नक्शा बनाना पड़ता है। yes, sir. तो यहाँ लोग अपनी जिंदगी का नक्शा ही नहीं बनाते हैं। कहते हैं ना जिन आंखों में सपने होते हैं वहां नींदे नहीं होती, और जिन आंखों में सपने नहीं होते वहां सिर्फ नींदे ही होती हैं। राइट सर। देखो एक होता है सपना, एक होता है ना पूरे करने का डर। वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीतना इंडियन टीम का सपना होता है, पर साथ में एक डर भी होता है, हार के आए तो एयरपोर्ट पे लोग बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। राइट सर।
कहते हैं ड्रीम आदमी को पुल करता है, मतलब ड्रीम आदमी को आगे बढ़ाता है, जो डर है ये पीछे खींचता है हमेशा। सपने पूरे उनके नहीं होते जो सपनों को छोटा और समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं। चार तरह के लोग होते हैं। पहले जो सपने देखते ही नहीं है, भटकने वाले की श्रेणी में इनको रखा जाता है कि ये भटकते हुए लोग हैं, भटकती हुई आत्माएं हैं, नेटवर्किंग में आके भी सपने नहीं देख पाए। जो सपने देखते ही नहीं है नेटवर्किंग में, चार तरह के लोग होते हैं। दूसरा वो होते हैं जो देखते हैं पर पूरे नहीं करते, वो भगोड़ों की कैटेगरी में आते हैं, वो बीच में छोड़ के भाग जाते हैं। अगर सपने बड़े हैं, जिसके सपने बड़े हैं उसको प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं। कहते हैं मुश्किलें हमारे रास्ते के वो पत्थर हैं, उनके ऊपर हमारा ध्यान तब जाता है जब हमारा ध्यान अपने टारगेट से हट जाता है। कहते हैं जो लोग सपने देखते हैं, सपनों का पीछा करते हैं, तीसरे कैटेगरी के कौन लोग होते हैं, जो लोग सपने देखते हैं, सपनों का पीछा करते हैं और पूरा कर लेते हैं, उन्हें सफल कहा जाता है। और चौथी कैटेगरी कौन सी होती है, जो लोग सपने देखते हैं, सपनों का पीछा करते हैं, पूरे कर लेते हैं और दूसरों के भी सपने जगाते हैं, उनको पूरा करवाने में लोगों की मदद भी करते हैं, उन लोगों को महान लोग कहा जाता है। सफल लोग नहीं कहा जाता, महान लोग कहा जाता है। यस सर। तो अब मैं बताने जा रहा हूं ये सपने पूरे होंगे कैसे, क्योंकि सपनों की गेम है सारी। सपने पूरे तब होंगे जब आप बनाओगे लोगों की लिस्ट, पूरे होंगे लोग इस बिजनेस में आएंगे। देखो दुनिया के हर बिजनेसमैन का सपना, हम वी आर बिजनेसमैन, हम बिजनेस कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे। दुनिया के हर बिजनेसमैन का सपना लोगों से ही पूरे होता है, चाहे किसी के कुत्ते के बिस्कुट बेचने की दुकान है ना, उसके लिए भी लोगों, वो उसके लिए भी तो लोग चाहिए ना, कुत्ते थोड़ी ना आएंगे बिस्कुट खरीदने। वो राइट सर। हर काम के लिए हर दुकानदार को भी अपने सपने पूरे करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है, हमें भी लोगों की जरूरत पड़ती है। तो अब लिस्ट ऑफ पर्सन, लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट क्यों बनानी है, थोड़ी सी इस पे चर्चा करूंगा। देखो बिग लिस्ट बिग बिजनेस, स्मॉल लिस्ट स्मॉल बिजनेस, नो लिस्ट नो बिजनेस, नोट कर लो। बड़ी लिस्ट बड़ा बिजनेस, छोटी लिस्ट छोटा बिजनेस, कोई लिस्ट नहीं कोई बिजनेस नहीं। यस सर।